एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक धनोरा में स्थित मुंडाखेड़ा खादर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 30 किलोमीटर है। लगभग 3500 की आबादी व 2445 वोटरों द्वारा नईमा खातून को अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 731 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 185 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में विकास कार्यों की बात की जाए तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 22 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 5 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 40 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, खड़ंजा व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 170 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। हमारे ग्राम पंचायत की इतनी मूलभूत समस्याएं हैं जिसका निस्तारण करने के लिए कोई भी आगे आने को तैयार है, लेकिन प्रधान संगठन हम जरूरी के कंधे से कंधा मिला के हम लोग इसके संगठन में जाके शासन स्तर तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की नहीं है, जो पानी से गंदगी रहती है। उसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र मेरे यहाँ नहीं है, जो कि इतनी जनसंख्या के आधार पर स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा टारगेट के हिसाब से जो शौचालय आए हैं, शौचालय उतने नहीं हैं। ओडीएफ करने के लिए शासन दबाव डाल दिया, जब तक पूरे शौचालय यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक ओडीएफ होना असंभव है। दूसरी बात, पिछले वर्षों में हमारे यहाँ सिर्फ 2 लोहिया आवास बने हैं, जबकि 20 मात्र और कम से कम पात्र व्यक्ति हैं जिनका आवास बनना अति आवश्यक है। गरीब लोग हैं, झोपड़ी झुप्पी वाले लोग हैं। दूसरी बात, हैंडपंपों की बहुत समस्या है, हैंडपंप रिबोर के स्तर पे हैं, चूँकि रिबोर जो है होना इसलिए ज़रूरी है, पीला पानी ग्राम पंचायत के मुंडाखेड़ा खादर में पानी आ रहा है। हम गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी, कि जितनी हमारे मुंडाखेड़ा खादर की समस्याएं हैं उनका समाधान करने का कष्ट करें। यही हमारी शासन से और संगठन हमारा मांग करता है, यही हमारी डिमांड है, मांग है कि हमारी जन समस्याओं को सुना जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो बिजली की है। बिजली मात्र 10-12 घंटे आती है, इसके अलावा बिजली नहीं आती। हमारी बिजली घर पे एक बड़ा वाला ट्रांसफार्मर आना चाहिए ताकि सारा टोटल पूरे फीडर को सप्लाई एक साथ दी जाए, अब किस्तों में सप्लाई दी जाती है। इससे हमारे किसान भाई, हमारे ग्रामवासी जो हैं प्रभावित होते हैं और हमारा जो है सिंचाई वगैरह सही नहीं होता। अब आपसे हमारी, आपके चैनल के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि हमारी आवाज़, हमारे गांव की आवाज़ शासन स्तर तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि शासन का कानून में बात जाए, हमारी समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो जाए। और इसके अलावा हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो है वो एक बाईपास की समस्या है। हमारे क्षेत्र का जो गन्ना है वो जो है लोग इधर उधर को निकालते हैं, बछराइयों में कहीं रास्ता नहीं है, बछराइयों में बाईपास का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो है वहाँ को निकलते हैं तो आए दिन हमारे साथ लड़ने झगड़े होते हैं। ये हमारी सबसे ज़्यादा, बल्कि मेरी ग्राम पंचायत की नहीं पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, बछराई में बाईपास का ना होना। बाईपास के लिए हम सब लोग गुजारिश करेंगे कि बछराई का बाईपास शीघ्र अतिशीघ्र बनवाया जाए। और इसके अलावा हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो है इस क्षेत्र के लिए वो ये है कि इधर को एक सुल्तानपुर का पुल जाता है जो हमारा आवागमन बाधित होता है, हम इस क्षेत्र को पुल क्रॉस नहीं कर सकते। इस बीच में बाह्या नदी पड़ती है जो कि इधर के उधर आदमी नहीं जाते, उधर के इधर नहीं आ पाते, और टैंकर वाला पुल है वो भी ध्वस्त हुआ है,
क्षेत्र का हमारा आवागमन कटा हुआ है, हम क्षेत्र से कटे हुए हैं, उस पुल का, सुल्तानपुर वाले पुल का निर्माण होना बहुत जरूरी है, ये हम आपके संज्ञान में ला रहे हैं।